Audio Jungle. Hey, what's up guys? Sandola here again. और आज जो इस वीडियो में मैं एक छोटी सी ट्रिक बताने वाला हूँ. शायद ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है, या फिर इसका जो है ये ट्रिक जान के शायद ये आपके लिए आगे के लिए हेल्पफुल हो सकती है, जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. तो बिना वक्त को बर्बाद किए आई थिंक स्टार्ट करना चाहिए. तो यहाँ पर जो है जैसे कि ES फाइल एक्सप्लोरर, जैसे कि मैं इसमें जो है रीनेमिंग के बारे में बात करने वाला हूँ. वैसे थंबनेल्स आपको पता चल गया होगा. जैसे ये मेरा फाइल मैनेजर है और यहाँ पे मेरे बहुत सारे मान लीजिए फ़ोटोज़ हैं एक जगह. जैसे ये मेरा मेमोरी कार्ड में एक फ़ाइल है, ये मेरा देख सकते हैं ये पर्सनल फाइल. तो इसे मैंने ओपन किया, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर इतने सारे फ़ोटोज़ हैं. तो इन सब फ़ोटोज़ को मैं चाहता हूँ एक मैं अपने नाम से सेव करना. जैसे कि इसको एक नाम से सेव करने के लिए, जैसे इस पर अब एक को मैंने रीनेम किया और यहाँ पे मैंने कुछ टाइप कर दिया, तो यहाँ पे रीनेम तो आखिर एक ही फ़ोटो हुआ ना. तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि एक बार में सभी को रीनेम कर दे, सभी का जो है नाम चेंज हो जाए एक बार में, तो वो कैसे कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा. जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट मैंने किया, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर में यहाँ पर ऑल सिलेक्ट का ऑप्शन है यहाँ पर. तो ये ऑल सिलेक्ट कर दें, इसे देख सकते हैं 84x84 ये जो है ऑल सिलेक्टेड हो चुका है. तो इसे अब रीनेम करने के लिए यहाँ पर रीनेम पे क्लिक करें, और रीनेम करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको आस्किंग कर रहा है इसका आप नाम क्या देना चाहते हैं. तो मैं यहाँ पे अपना नाम ही दे देता हूँ. यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो अगर मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट होता है, कोई फाइल होता है, बहुत सारे आपने मान लीजिए एक्सेल वर्ड या फिर मान लीजिए कोई कंप्यूटर फाइल आपने सेव किया था, अब उसे रीनेम करना है, तो इजीली तरह से यहाँ पे उसका नाम जो है चेंज करें. उसके बाद जो है ये सारा नाम आपका एक बार में जो है हो जाएगा हो चेंज. तो यहाँ पर मैंने संडोला मैंने अपना टाइप कर दिया नेम, और यहाँ पर मैं ओके मैं कर रहा हूँ. और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने बस ओके किया, उसके बाद कुछ भी नहीं है. तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे फाइल्स का नाम संडोला 1 2 3 4 5 मतलब कुछ इस तरह से हो गया, मतलब कि वो लाइन बाय लाइन. तो मतलब जो कि काफ़ी यहाँ पे जो है यहाँ पे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको नंबर बाय नंबर वो भी आपका एक नाम से जो है सेव हो जाता है. तो आई होप कि ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा. छोटी ट्रिक थी लेकिन शायद ये किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है. तो यार थैंक यू फॉर वॉचिंग. इस वीडियो को शेयर करें और व्यूअर के साथ. तो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में. तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो आपको यहाँ पे रेड बटन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बेल आइकन आएगा तो उस पर क्लिक करना है. उससे जो है कि आपको जब भी मैं कभी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा. और यहाँ पे लाइक बटन पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं अगर जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो.